Good morning to the students of class 3. I am Ruddhima Miss, your SST teacher, and this is your crash course video. ये आप लोग के chapter 3 का crash course video है. Chapter 3 का name था India Physical. इसमें India के जो physical features हैं, total 6 physical features हैं India के, और उन सारे physical features के बारे में हमने इस chapter में 1 by 1 पढ़ा था. और आज फिर से हम एक बार उसको revise कर लेते हैं ताकि ये हमें अच्छे से याद रह जाए. अगर आप चाहें तो आप इन सारों को अपने कॉपी में नोट्स में लिख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं. और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे, वो क्वेश्चन भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया. ये तो हम जानते ही हैं कि पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है और इंडिया जो है ये एशियन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है. इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट में साउदर्न साइड में, मतलब दक्षिण साइड में लोकेटेड है. और ये 7वां सबसे बड़ा देश है पूरे वर्ल्ड में और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है पूरे वर्ल्ड में. फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? तो फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में आपका रशिया, और 7th नंबर पर आता है आपका इंडिया. और फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चाइना, और दूसरे नंबर पर आता है आपका इंडिया. ठीक है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल डिवीजन. इंडिया को 6 फिजिकल डिवीजन में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, सेकेंड है द नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फोर्थ है द पेच्यू रीजन, फिफ्थ द आइलैंड, एंड द 6th वन इज पेनिनसुला. इन सारे फिजिकल डिवीजन के बारे में हम लोग 1 by 1 एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो फर्स्ट फिजिकल फीचर है नॉर्दर्न माउंटेन्स. पहले नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं. द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर द रेंज ऑफ माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है ये माउंटेन्स का रेंज है. रेंज मतलब माउंटेन का ये पूरा ग्रुप है जो इंडिया के नॉर्थ साइड में, उत्तर साइड में लोकेटेड है. मतलब जम्मू एंड कश्मीर से जो साइड शुरू होता है वहां पे जो माउंटेन्स का ग्रुप प्रेजेंट है, जिसमें हिमालय माउंटेन, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये सर हम कंचनजंगा, ये सब माउंटेन्स जिस रेंज में आता है उसको हम नॉर्दर्न माउंटेन्स कहते हैं. ठीक है, अब पहले देख लेते हैं माउंटेन होता क्या है. अ माउंटेन इज अ रेज लेवल ऑफ लैंड विद स्लोपिंग साइड एंड अ शार्प पीक. माउंटेन्स जो है वो लैंड का वो हिस्सा है जो नॉर्मल एरिया से, फ्लैट लैंड से हल्का ऊंचा उठा हुआ होता है. इसका साइड जो है वो स्लोपिंग होता है और अपर पोर्शन इसका शार्प पीक होता है. मतलब अपर पोर्शन इसका नुकीला होता है, पॉइंटेड होता है. ठीक है, द ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया. हिमालय माउंटेन स्टार्टिंग में ही बताया कि हिमालय माउंटेन रेंज जो है वो नॉर्थ पार्ट, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में लोकेटेड है. उसको नॉर्दर्न माउंटेन रेंज में ही लोकेटेड है. रेंज मतलब तो समझ में आ गया है ना कि एक साथ जब 2-3 माउंटेन्स जुड़े हुए होते हैं, अटैच होते हैं, तो उसको माउंटेन रेंज कहते हैं. और अगर कोई सिंगल माउंटेन प्रेजेंट होता है तो उसको पीक बोला जाता है. ठीक है, अ हाई लैंड विद अ राउंड टॉप इज कॉल्ड अ हिल. अब हिल क्या होता है? तो हिल भी जो है वो नॉर्मल एरिया से हल्का ऊंचा ही उठा हुआ होता है, लेकिन इसका अपर पोर्शन जो है वो राउंड होता है. जैसे माउंटेन का अपर पोर्शन जो है वो पॉइंटेड होता है, उसी तरीके से हिल का जो अपर पोर्शन है वो राउंड होता है, पॉइंटेड नहीं होता है. तो माउंटेन क्या हुआ? जिसका साइड जो है स्लोपिंग होगा और अपर पोर्शन जो है शार्प पीक उसमें निकला होगा. ठीक है, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, माउंटेन इज अ रेज्ड लेवल ऑफ लैंड विद स्लोपिंग साइड एंड अ शार्प पीक. ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल फीचर के बारे में अब देख लेते हैं. नेक्स्ट फिजिकल फीचर है नॉर्दर्न प्लेन्स. इसके पहले नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया, अब देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन क्या होता है. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है द फ्लैट लेवल रीजन लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज इज द नॉर्दर्न प्लेन. लैंड का वो हिस्सा जो बिल्कुल फ्लैट होता है, जहां पे कोई भी रेस्ट पार्ट नहीं होता, मतलब कोई भी हिस्सा हल्का भी ऊपर उठा हुआ नहीं होता, बिल्कुल फ्लैट एरिया जो होता है लैंड का, उसको हम प्लेन्स बोलते हैं. और यही प्लेन जो हिमालय के साउथ साइड में जो प्लेन्स लोकेटेड है उसको नॉर्दर्न प्लेन कहा जाता है. हिमालय के दक्षिण साइड में जो लैंड का फ्लैट एरिया जो प्रेजेंट है प्लेन, उसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं. नॉर्दर्न प्लेन्स जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल कहा जाता है, क्योंकि वहां पे जो रिवर्स आती हैं, जो रिवर वहां से फ्लो करती है, गंगा एंड यमुना, ये जो है पेरिनियल रिवर है, इनमें हमेशा पूरे ईयर वाटर रहता है.
तो ये जो रिवर जब माउंटेन से फ्लो करती हुई आती है, हिमालय से जब फ्लो करती हुई ये रिवर आती है, तो वो अपने साथ कुछ पीसेस सैंड और सिल्ट का लेकर आती है। और ये रिवर जो है अपने साथ सबसे फाइन सिल्ट जो होता है उसको अलुवियम कहते हैं। तो ये रिवर जब फ्लो करती हुई आती है, पेरिनियल रिवर, तो ये अपने साथ जो अलुवियम का पीसेस लेकर आती है, अलुवियम सॉयल जो लेकर आती है, वो यहाँ पे जमा कर देती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। और अलुवियम सॉयल जो है नॉर्दर्न प्लेन्स को बहुत ज्यादा फर्टाइल बनाता है। अलुवियम सॉयल में कोई भी क्रॉप जो है बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है। नॉर्दर्न प्लेन्स का एक और नाम है गैंगेटिक प्लेन। इसको गैंगेटिक प्लेन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो रिवर है गंगा एंड यमुना, ये जो रिवर यहाँ से फ्लो करती, उन्हीं के नेम पर इसका नेम रखा गया है, गैंगेटिक प्लेन। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट जो है लैंड का वो हिस्सा होता है जो पूरी तरीके से सैंड से कवर्ड होता है, बालू से कवर्ड होता है, और वहां पे बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। उस एरिया को जो है डेजर्ट कहा जाता है, लैंड का वो हिस्सा जो पूरी तरीके से सैंड से कवर्ड हो और जहाँ पे बारिश बहुत कम हो, ना के बराबर हो, उस एरिया को हम डेजर्ट कहते हैं। वहां का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हाई होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा वहां पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल फीचर की ओर अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिजिकल फीचर है प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू को हिंदी में पठार भी कहा जाता है। प्लेट्यू इज एन एरिया ऑफ रेज लैंड विद अ फ्लैट टॉप। प्लेट्यू एंड माउंट रेज लैंड विद अ फ्लैट टॉप। प्लेट्यू जो है लैंड का वो माउंटेन एंड प्लेट्यू में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। माउंटेन भी जो है माउंटेन का भी साइड स्लोपिंग होता है, लेकिन इसका अपर पोर्शन जो है पॉइंटेड होता है। प्लेट्यू का भी जो है साइड स्लोपिंग होगा और इसका अपर पोर्शन बिल्कुल फ्लैट होता है। मतलब ये लैंड का वो हिस्सा है जो नॉर्मल एरिया से हल्का ऊंचा उठा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, और इसका साइड स्लोपिंग होगा और अपर पोर्शन बिल्कुल फ्लैट होता है। प्लेट्यू को जो है टेबल लैंड भी कहते हैं क्योंकि इसका शेप जो है बिल्कुल टेबल जैसा होता है, टेबल शेप का ये दिखता है। इट कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ आर कंट्री। इट लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड इज शेप लाइक अ ट्राइंगल। प्लेट्यू जो है हमारे कंट्री का बहुत ज्यादा एरिया, बहुत लार्ज एरिया कवर करता है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ साइड में, दक्षिण साइड में लोकेटेड है, और इसका शेप जो है ये ट्राइंगल शेप का आपको दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आइलैंड। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइलैंड। आइलैंड के बारे में तो जानते ही होंगे, लैंड का वो हिस्सा जो चारों तरफ वाटर से घिरा होता है उसको आइलैंड कहते हैं। मतलब अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड, मतलब लैंड का वो हिस्सा जो चारों तरफ से वाटर से घिरा होता है उसको हम आइलैंड कहते हैं। There are two group of island in our country, the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island। ये तो जानते हैं कि island का दो group है हमारे country में, एक है the Andaman and Nicobar Island और दूसरा है Lakshadweep Island। Island का जो group होता है, समूह होता है, उसको archipelago कहा जाता है। जैसे mountain का जो group होता है उसको mountain range कहते हैं, उसी तरीके से island का जो पूरा एक group होता है, समूह होता है, उसको archipelago कहते हैं। ठीक है, तो इसमें तो सारा समझ में आ गया।